नमस्कार। तज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आजकल यह वर्ष जो है फणीश्वरनाथ रेणु जो आंचलिक कथाकार, आंचलिक भाषाओं में, आंचलिक हिंदी में जो कथा कहानी लिखते थे, उनकी महारत हासिल थी हमारे फणीश्वरनाथ रेणु जी को, और उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके कहानियों के पाठ करने का दायित्व तो मुझे सौंपा गया। मैं आपके सामने आज एक कहानी, उनकी कहानी, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रख रहा हूं, एक आदिम यात्री की महक। एक आदिम रात्रि की महक, कर्मा को नींद नहीं आएगी। नए पक्के मकान में उसे कभी नींद नहीं आती। चूना और वार्निश की गंध के मारे उसकी कनपट्टी के पास हमेशा चौनी भर दर्द चिनचिनाता रहता है। पुरानी लाइन के पुराने स्टेशन सब हजार पुराने हो, वहां नींद तो आती है। ले नाक के अंदर फिर सूरी जगी सोसरी, कर्मा छींकने लगा। नए मकान में उसकी छींक गूंज उठी। कर्मा नींद नहीं आती, बाबू ने कैंप खाट पर करवट लेते हुए पूछा। कर्मा नींद नहीं आती, गमछे से नथुने को साफ करते हुए कर्मा ने कहा, यहां नींद कभी नहीं आएगी। मैं जानता था बाबू, मुझे भी नींद नहीं आएगी, बाबू ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। नई जगह मैं पहली रात मुझे नींद नहीं आती। कर्मा पूछना चाहता था कि नया पोख्ता मकान में बाबू को भी चूने की गंध लगती है क्या? कनपट्टी के पास दर्द रहता है हमेशा क्या? बाबू को एक गीत गुनगुनाने लगे। एक कुत्ता गश्त लगाता हुआ सिग्नल केबिन की ओर से आया और बरामदे के पास आकर रुक गया। कर्मा चुपचाप कुत्ते की नियत को तारने लगा। कुत्ते ने बाबू की खटिया की ओर थूथना ऊंचा करके हवा में सूंघा, आगे बढ़ा। कर्मा समझ गया, जरूर जूताखोर कुत्ता है शाला। नहीं नहीं, सिर्फ सूंघ रहा है। कुत्ता अब कर्मा की ओर मुड़ा, हवा सूंघने लगा, फिर मुसाफिर खाने की ओर धुलकी चाल से चला। बाबू ने पूछा, तुम्हारा नाम कर्मा है या करमचंद या कर्मू? 7 दिन तक साथ रहने के बाद आज आधी रात के पहर में बाबू ने दिल खोलकर एक सवाल के जैसा सवाल किया। बाबू, नाम तो मेरा कर्मा ही है, वैसे लोगों के हजार मुंह हजार नाम कहते हैं। नीलाय बाबू कौरमा कहते हैं, घोष बाबू करीमा कब कर बुलाते हैं, सिंह जी ने वदिन कामा ही कहा, और असगर बाबू तो हमेशा करम करम कहते थे। खुश रहने पर दिलगी करते थे, हाय मेरे करम। नाम में क्या है बाबू, जो मन में आए कहिए, हजार नाम। तुम्हारा घर संथाल परगना में है या रांची हजारीबाग की ओर? कर्मा इस सवाल पर अचकचाया। जरा ऐसे सवालों का जवाब देते समय वह रस्ते जोगी की मुद्दा बना लेता। घर जहां घर वहां घर, मां बाप भगवान जी, लेकिन बाबू को ऐसा जवाब तो नहीं दे सकता। बाबू भी खूब है, नाम का अर्थ निकालकर अनुमान लगा लिया, घर संथाल परगना या रांची हजारीबाग की ओर होगा, किसी गांव में। कर्मा पर्व के दिन जन्म हुआ होगा, इसीलिए नाम कर्मा पड़ा। माथा कपाल होंठ और देह की गठन देखकर भी बाबू तो बहुत गुणी मालूम होते हैं। अपने बारे में कर्मा को कुछ मालूम नहीं, और बाबू नाम और कपाल देखकर ही सब कुछ बता रहे हैं। इतने दिन बाद एक बाबू मिले हैं, गोपाल बाबू जैसे। कर्मा ने कहा, बाबू गोपाल बाबू भी यही कहते थे। वह कर्मा नाम तो गोपाल बाबू का ही दिया हुआ है। कर्मा ने गोपाल बाबू का किस्सा शुरू किया। गोपाल बाबू कहते थे कि आसाम से लौटती हुई कुली गाड़ी में एक डोको के अंदर तू पड़ा था, बिना बिल्टी रसीद के लावारिस माल। चलो बाबू, नींद आ गई, नाक बोलने लगी। गोपाल बाबू का किस्सा अधूरा ही रह गया। कुतवा फिर गश्त लगाता हुआ आया। वह कार्तिक का महीना है ना, ससुरा पस्त होकर आया, हाँ हाँ रहा है।
ले तू भी यही सोएगा, साले की देह की गंध यहां तक आती है। दैट बाबू ने जगकर पूछा, तब क्या हुआ तुम्हारे गोपाल बाबू का? कुत्ता बरामदे के नीचे चला गया, उलट कर देखने लगा, गुर्राया, फिर दो तीन बार दबी हुई आवाज में बुफ बुफ कर जानने की मुसाफिर खाने के अंदर चला गया। वहां पैटमैन जी सोता है। बाबू सो गए क्या? चलो बाबू को फिर नींद आ गई। बाबू की नाक ठीक बबुआनी आवाज में ही डाकती है, पैटमैन जी तो लगता है लकड़ी चीर रहे हैं। गोपाल बाबू की नाक बीन जैसी बसती थी सुर में, अस्कर बाबू का खर्राका, सिंह जी फुफकारते थे और साहू बाबू नींद में बोलते थे, डाउन दो गाड़ी छोड़ा। तार की घंटी, स्टेशन का घंटा, गार्ड साहब की सीटी, इंजन का बिगुल, जहाज का भौंपी, सैकड़ों सीटियां, बिगुल भोंपा भो, हजार बार लाख बार कोशिश करके भी अपने को रेल की पटरी से अलग नहीं कर सका कर्मा। वह छटपटाया, चिल्लाया, मगर जरा भी टस से मस नहीं हुई उसकी देह। वह चिपका रहा, धर धराता हुआ इंजन गर्दन और पैरों को काटता हुआ चला गया। लाइन के एक ओर उसका सिर लुढ़का हुआ पड़ा था, दूसरी ओर दोनों पैर छिटके हुए। उसने जल्दी से अपने कटे हुए पैरों को बटोरा। अरे यह तो एंटोनी गाट साहब की बरसाती जूते का जोड़ा है, गम बूट, उसका सिर क्या हुआ? धैत धैत ससुरा नाक कान बजा रहा है, कर्मा धैत धैत, उठ कर्मा चाय बना। कर्मा धरफरा कर उठ बैठा। ले बिहान हो गया, मालगाड़ी को थ्रू पास करके पैटमैन जी हाथ में बैत की कमानी घुमाता हुआ आ रहा है। साला ऐसा भी सपना होता? भला 12 साल में पहली बार ऐसा अजूबा सपना देखा कर्मा ने? 12 साल में एक दिन के लिए भी रेलवे लाइन से दूर नहीं गया कर्मा। इस तरह एक्सीडेंट वाला सपना कभी नहीं देखा उसने। कर्मा रेल कंपनी का नौकर नहीं, वह चाहता तो पोर्टर खलासी पेटमान या पानी पारे की नौकरी मिल सकती थी, खूब आसानी से नौकरी रेलवे नौकरी में घुस सकता था, मगर 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 मन को कौन समझाए, मगर मन को कौन समझाए। रेल कंपनी का नीला कुर्ता और इंजन छाप बटन का शौक उसे कभी नहीं हुआ। रेल कंपनी क्या, किसी की नौकरी कर्मा ने कभी नहीं की? नाम धाम पूछने पर पूछने के बाद लोग पेशे के बारे में पूछते हैं, कर्मा जवाब देता है, बाबू के साथ रहते हैं, एक पैसा भी मुसाहरा न लेने वाला को नौकर तो कह नहीं सकते। गोपाल बाबू के साथ लगातार 5 वर्ष, इतने वर्ष कितने बाबुओं के साथ रहा यह गिन कर बतलाना होगा। लेकिन एक बात है, ये रिलीफिया बाबू को छोड़कर किसी साल्टन बाबू के साथ वह कभी नहीं रहा। साल्टन बाबू माने किसी ट्यूशन के परमानेंटी नौकरी करने वाला, फैमिली के साथ रहने वाला। गोपाल बाबू जैसा बाबू कहां मिले? कर्मा का माय बाप भाई बहन कुल परिवार जो बुझिए सब एक गोपाल बाबू, बिना बिल्टी रसीद का लावारिस माल था कर्मा। रेलवे अस्पताल से छुड़ा कर अपने साथ रखा गोपाल बाबू ने, जहां जाते कर्मा साथ जाता, जो खाते कर्मा भी खाता। लेकिन आदमी की मति को क्या कहिए, अरे रिलीफिया काम को छोड़कर सल्तानी काम में गए, फिर एक दिन शादी कर बैठे। बहुमा गोपाल बाबू की फैमिली राम हो राम, वह औरत थी साक्षात चुड़ैल। एक दिन गोपाल बाबू ठीक रहते, दिन भर गोपाल बाबू ठीक रहते, साल पड़ते ही उसकी जान चिड़िया की तरह लुकाती फिरती। आधी रात को कभी कभी स्पेशल पास करने के लिए बाबू निकलते, लगता अमेरिकन रेलवे इंजन के बॉयलर में कोयला झोंक कर निकले। कर्मा क्वार्टर के बरामदे पर सोता था, 3 महीने तक रात में नींद नहीं आई कभी। बौमा फों फों करती, बाबू मिमिना कर कुछ बोलते, फिर शुरू होता रोना कराहना, गाली गलौज मार पीट। बाबू भागकर बाहर निकलते और वह औरत झपट कर माथे का केस पकड़ लेती। तब कर्मा ने एक उपाय निकाला, ऐसे समय में उठ कर दरवाजा खटखटा कर कहता, बाबू स्पेशल का कल बोलता है। बाबू की जान कितने दिनों तक बचा था कर्मा? बौमा एक दिन चिल्लाई, ए छोकरा हरमजादा,
कि दूर करो यह चोर है चोर। इसके बाद भी किसी टीसन के फैमिली क्वार्टर को देखते ही कर्मा के मन में एक पतली आवाज गूंजने लगती, चोर हरमजादा फैमिली क्वार्टर में क्यों क्यों जनाना मुसाफिर खाना जनाना दर्जा जनाना जनाना नाम से ही कर्मा के उकाई आने लगती है। एक ही साल में गोपाल बाबू को हार गोर सहित चबाकर खा गई वह जनाना फूल जैसे सुकुमार गोपाल बाबू। जिंदगी पहली बार फूट फूट कर रोया था कर्मा। रमता जोगी बहता पानी और लिफिया बाबू हेडक्वार्टर में 24 घंटे हुए कि परवाना कटा, फलाना टीशन का मास्टर बीमार है, सिक रिपोर्ट आया है, तुरंत ज्वाइन करो। रिलीफिया बाबू का बोर्ड ऑफिसर हमेशा रेडी रहना चाहिए। कम से कम एक सप्ताह रिलीफिया बाबू लकड़ी के एक बक्से में सारी ये गृहस्थी बंद करके आज यहाँ कल वहां पानी पारा से भात गांव कुरैया से रौतारा पीर हेडक्वार्टर कटिहार गोपाल बाबू ने ही घोष बाबू के साथ लगा दिया था। खूब भालो बाबू अच्छी तरह रखेगा, लेकिन घोष बाबू के साथ एक महीना से ज्यादा नहीं रह सका कर्मा। घोष बाबू की वे वजह गाली देने की आदत, गाली भी बहुत खराब खराब मां बहन की गाली। उसके अलावा घोष बाबू में कोई ऐब नहीं था, अपने समांग की तरह रखते थे। घोष बाबू आज भी मिलते हैं तो गाली से ही शुरू करते हैं, कीड़े कर्मा किसका साथ में है आज मादर। घोष बाबू की मां बहन की गाली देने वाला कोई नहीं तो समझते कि मां बहन की गाली सुनकर आदमी के खून किस तरह खोलने लगता है। किसी भले आदमी को ऐसी खराब गाली बकते नहीं सुना कर्मा ने आज तक। राम बाबू की सब आदत ठीक थी, लेकिन भारी इश्की आदमी। अरे जिस स्टेशन में जाते पैटमान पोर्टर सुपर को एकांत में बुलाकर घोसुर फुसुर बतियाते, फिर रात में कभी माल गोदाम की ओर, कभी जनाना मुसाफिर में खाना में, तो कभी जनाना पैखाना में, छी छी जहां जाते छुछुआते रहते। क्या जी असल माल वाल का कोई जोगाड़ जंतर नहीं लगेगा? आखिर वही हुआ जो कर्मा ने कहा था, माल ही उनका काल हुआ। पिछले साल जोगबनी लाइन में एक नेपाली ने खुकड़ी से दो टुकड़ा काट कर रख दिया और उड़ाओ माल, जैसी अपनी इज्जत वैसी पढ़ाई। सिंह जी भारी पुजगड़ी सिया सहित राम लक्ष्मण की मूर्ति हमेशा उनकी झोली में रहती थी। रोज 4 बजे भोर में नहाकर पूजा की घंटी हिलाते रहते, इधर कल की घंटी बजती। जिस घर में ठाकुर जी की झोली रहती उसमें बिना नहाए कोई पैर नहीं दे सकता, कोई अपनी देह को उस तरह बांधकर हमेशा कैसे रह सकता है? कौन दिन में 10 बार नहाए और 1000 बार पैर धोए, सो भी जारे के मौसम में जहां कुछ छुओ कि अरे छू दिया ना। ऐसे छुथा आदमी को रेल कंपनी माने की क्या जरूरत। सिंह जी का साथ नहीं निभ सका, साहू बाबू दरिया दिल आदमी थे, मगर मदक्की ऐसे के दिन दोपहर में 50 दारू का एक बोतल पीकर मालगाड़ी को थ्रू पास दे दिया और गाड़ी लड़ गई। कर्मा को याद है एक्सीडेंट की खबर सुनकर साहू बाबू ने फिर से एक बोतल चढ़ा लिया, आखिर डॉक्टर ने दिमाग खराब होने का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन उस एक्सीडेंट के समय भी किसी रात को कर्मा ने ऐसा सपना नहीं देखा न भोर भार में ऐसी कुलक्षण भरी बात बाबू को सुनाकर कर्मा ने अच्छा नहीं किया। रेलवे की नौकरी में अभी तुरंत घुसवे किए हैं, न बाबू के मिजाज का टेर का पता अब तक कर्मा को नहीं मिला है। करीब एक सप्ताह तक साथ में रहने के बाद कल रात में पहली बार दिल खोलकर दो सवाल जवाब किया बाबू ने। इसलिए सुबह को कर्मा ने दिल खोलकर अपने सपने की बात शुरू की। चाय की प्याली सामने रखने के बाद उसने हंसकर कहा, हे बाबू रात में हम एक अजूबा सपना देखा, धड़धड़ाता इंजन, लाइन पर चिपकी हमारी देह, टस से मस नहीं, सिर इधर पैर लाइन के उधर, एंटोनी गार्ड साहब के बरसाती जूते का जोड़ा गम बोट। धक क्या बेसिर पैर की बात करते हो सुबह सुबह, गांजा बांजा पीता है क्या? कर्मा ने बाबू को सपने की बात सुनाकर अच्छा नहीं किया। कर्मा उठकर ताखे पर रखे हुए आईने में अपना मुंह देखने लगा। उसने अजूबा कहकर देखा, छी उसके होंठ
तीतर की चोंच की तरह, का कर्मचना कर्मचान का बन रहा है, पानी पहाड़े भला आदमी है, पुरानी जान पहचान है इससे कर्मा की, कई टीशन में संगत हुआ है लेकिन यह पैटमान लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है, हर बात में घुच पुछ कर हंसने वाला। करमचान बाबू कौन सी जाति के हैं, क्यों बंगाली हैं? भैया बंगाली में तो सारे बारह बरन के लोग होते हैं। पानी पारे जाते जाते कह गया, थोड़ी तरकारी बचा कर रखना करमचंद। घर कहाँ, कौन जात? मनिहारी घाट के मस्ताना बाबा का सिखाया हुआ जवाब, सभी जगह नहीं चलता, हरी के भजे सो हरी के होए, मगर हरी की भी जाति थी। ले यह घटी गाड़ी का इंजन कैसे भेज दिया इस लाइन में आज, संताली बांसी जैसी पतली सीटी, ले फक्का, एक भी पैसेंजर नहीं उतरा इस गाड़ी में, काहे को इतना खर्चा करके रेल कंपनी ने यहाँ स्टेशन बनाया? कर्मा ने बुद्धि में, कर्मा के बुद्धि में नहीं आता फायदा। फायदा बस नाम ही है आदमपुरा है, आदमी आमदनी न, सात दिन में दो टिकट कटे हैं, सिर्फ पांच पैसेंजर उतरे हैं, आज तीस में दो बिना टिकट के, इतने दिन के बाद 15 बोरा बैगन उस दिन बुक हुआ, 15 बैगन देकर ही काम बना लिया उस बुढ़े ने। उस बैगन वाले की बोली बाणी अजीब थी, कर्मा से खुलकर गप करना चाहता बूढ़ा। घर कहाँ है, कौन जात, घर में कौन कौन है? कर्मा ने सभी सवालों का एक ही जवाब दिया, ऊपर की ओर हाथ दिखलाकर बूढ़ा हंस पड़ा, अजीब हंसी, घटी गाड़ी सी। कर्मा मनिहारी घाट टीशन में भी रहा, 3 महीने में एक बार, 1 महीना दूसरी बार मनिहारी घाट टीशन की बात निराली है, कहाँ मनिहारी घाट और कहाँ आदमपुरा का यह पिद्दी टीशन। अरे नई जगह के नए टीशन में पहुंचकर आसपास के गांव में एक आध चक्कर घूमे फिरे बना कर्मा को न जाने कैसा कैसा लगता है, लगता है अंधकूप में पड़ा हुआ, वह डिस्टल सिंगल के उस पार दूर दूर तक खेत फैले हैं, वह काला जंगल, तार का हुआ अकेला पेड़, आज बाबू को खिला पिला कर कर्मा निकलेगा, इस तरह बैठे रहने से उसके पेट भात नहीं बचेगा, यदि गांव घर और खेत मैदान में नहीं घूमता फिरता तो वह पेड़ पर चढ़ता कैसे, चढ़ना कैसे सीखता, तैरना कहां सीखता। लखपतिया टीशन का नाम कितना जब्बर है, मगर टीशन पर एक सत्तू फरही की भी दुकान नहीं, आसपास में 5 कोस तक कोई गांव नहीं, मगर टीशन के पूरब जो 2 पोखरे हैं उन्हें कैसे भूल सकता है कर्मा। आईना की तरह झलमलाता हुआ पानी, बैसाख महीने में दोपहरी में घंटों भर पानी में नहाने का सुख मुंह से कहकर बताया नहीं जा सकता, मुदा कदम पूरा, सचमुच कदम पूरा, टीशन से शुरू करके गांव तक हजारों कदम के पेड़ है, कदम की चटनी खाए एक जुग हो गया। बारिशगंज टीशन बीच कस्बा में है, बड़े बड़े माल गोदाम, हजारों गांठ पात धान चावल के बोरे, कोयला सीमेंट चूना की ढेरी, हमेशा हजारों लोगों की भीड़। कर्मा को किसी का चेहरा याद नहीं, लेकिन टीशन से सते उत्तर की ओर मैदान में तंबू डालकर रहने वाले गधा वाले मगैया डोमो की याद हमेशा आती है, घाघड़ी वाली औरतें हाथ में बड़े बड़े कड़े, कान में झुमके, नंगे बच्चे, कान में गोल गोल कुंडल वाले मर्द, उनके मुर्गे, उनके कुत्ते, बथना टीशन के चारों ओर हजार घर बन गए। कोई प्रतीत करेगा कि 5 साल पहले बथना टीशन पर दिन दोपहर में टिटही बोलती थी? कितनी जगहों, कितने लोगों की याद आती है सोनवर्षा के आम, कालूचक्की मछलियां, भटोतर की दही, कुशियार गांव का उख, मगर सबसे ज्यादा आती है मनिहारी घाट टीशन की याद। एक तरफ धरती, दूसरी ओर पानी, इधर रेलगाड़ी, उधर जहाज, इस पार खेत गांव मैदान, उस पार साहेबगंज कजरोटिया का नीला पहाड़, नीला पानी, सादा बालू, 3-1-4-4 महीने तक 300 दिन गंगा में नहाया कर्मा, 4 जन्म तक पाप का कोई असर तो नहीं होना चाहिए, इतना बढ़िया नाम शायद ही किसी टीशन का होगा, मनिहार बलिहारी।
मछुए जब नाव में मछलियां उतारते तो चमक के मारे कर्मा की आंखें चुंधिया जाती। रात में उधर जहाज चला जाता, धू धू करता हुआ इधर गाड़ी छक छकाते हुए कटिहार की ओर भागती। अंजू शाह की दुकान की झांपी बंद हो जाती, तब घाट का मस्तान बाबा की मंडली जुटती। मस्तान बाबा कुली कुल के थे, मनिहारी घाट पर ही कुली का काम करते थे। एक बार मन ऐसा उदास हो गया कि दाढ़ी और जटा बढ़ाकर बाबा जी हो गए, खंजरी बजा बजा कर निर्गुण गाने लगे। बाबा कहते, घाट घाट कर पानी पीकर देखा, सब फीका एक गंगा जल मीठा। बाबा एक चीलम गांजा पीकर पांच किस्सा सुना देते, सब वेद पुराण का किस्सा। कर्मा ने ज्ञान की दो चार बोली मनिहारी घाट पर ही सीखी, मस्तान बाबा के सत्संग में। लेकिन गांजा में उसने कभी दम नहीं लगाया। आज बाबू ने झुंझला कर कहा, गांजा बांजा पीते हो क्या? तो कर्मा ने मस्तान बाबा की याद आई, बाबा कर्मा को मस्तान बाबा की याद आई। बाबा कहते, हर जगह की अपनी खुशबू बदबू होती है। इस आदमपुरा की गंध के मारे कर्मा को खाना पीना नहीं रुचता। मस्तान बाबा को बात देकर मनिहारी घाट की याद कभी नहीं आती। कर्मा ने ताखे पर रखे आईने पर फिर अपना मुखड़ा देखा। उसने आंखें अंधमूंदी करके दांत निकालकर हंसते हुए मस्तान बाबा के चेहरे के नकल उतारने की चेष्टा की। मस्त रहो, सदा आंख कान खोल कर रहो, धरती बोलती है, गाछ वृक्ष भी अपने लोगों को पहचानते हैं। फसल को नाश्ते गाते देखा है कभी? रोते सुना है कभी अमावस्या की रात को? मरते रहो। कर्मा को क्या पता कि बाबू पीछे खड़े होकर सब तमाशा देख रहे हैं। बाबू ने अचरज से पूछा, तुम जगे जगे खड़े होकर भी सपना देखता है? कहता है कि गांजा नहीं पीता। सचमुच वह खड़ा खड़ा सपना देखने लगा था। मस्तान बाबा का चेहरा बरगद के पेड़ की तरह बड़ा होता गया। उसकी मस्त हंसी आकाश में गूंजने लगी, गांजे का धुआं उड़ने लगा, गंगा की लहरें आई, दूर जहाज का भोपा सुनाई पड़ा, भो। बाबू ने कहा, खाना परोसो, देखूं क्या बनाया है। तुमको लेकर भारी मुश्किल है। मुंह का पहला कौर निकलकर बाबू कर्मा का मुंह ताकने लगे, लेकिन खाना त्यो बहुत बढ़िया बनाया है। खाते खाते बाबू का मन मिजाज एकदम बदल गया, फिर रात की तरह दिल खोल कर गप करने लगे। खाना बनाना किसने सिखलाया तुमको? गोपाल बाबू की घरवाली ने। गोपाल बाबू की घरवाली माने बौमा। वह बोला, बौमा का मिजाज तो इतना खट्टा था कि बोली सुनकर ही कड़ाही का ताजा दूध फट जाए। वह किसी को क्या सिखाएगी फूहर औरत? और यह खाना बनाना किसने सिखलाया तुमको? कर्मा को मस्तान बाबा की बाणी याद आई, बाबू सिखलाएगा कौन, शहर सिखाए कोतवाली, तुम्हारी बीबी को खूब आराम होगा। बाबू का मन मिजाज इसी तरह ठीक रहा तो एक दिन कर्मा मस्तान बाबा का पूरा किस्सा सुनाएगा। बाबू, आज हमको जरा छुट्टी चाहिए। छुट्टी? क्यों, कहाँ जाएगा? कर्मा ने एक और हाथ उठाते हुए कहा, जरा उधर घूमने घूमने फिरने। बैटमैन जी ने पुकार कर कहा, कर्मा बाबू को बोलो कल बोलता है, तुम्हारी बीबी को खूब आराम होगा। कर्मा की बीबी वारिशगंज टीशन मगैया डोमो के तंबू, उठती उमेर वाली छौड़ी, नाक में नथिया, नाक और नथिया में जमे हुए काले मैल और पीले दांतों की मिस्सी। कर्मा अपने हाथ का बना हुआ हलवा पूरी उस छौड़ी को नहीं खिला सका। एक दिन कागज की पुड़िया में ले गया, लेकिन वह पसीने से भींग गया, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। यदि वह छौड़ियां चिल्लने लगे कि तुम हमको छुपा छिपा ये चुरा छिपा कर हलवा काहे खिलाता है, ओ मैयो बाबू हजार कहे, कर्मा का मन नहीं मानता। उसका घर संथाल परगना या रांची की ओर कहीं होगा। मनिहारी घाट में दो दो बार रहा आया है वह। उस पार के साहेबगंज कजरोठिया के पहाड़ ने उसको अपनी ओर नहीं खींचा कभी। और बारिशगंज कदमपुरा कालूचक लखपतिया का नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ झंझना उठता। जाने पहचाने अनचिन्हे कितने लोगों के चेहरे की भीड़ लग जाती है।
कितनी बातें सुख दुख की, खेत खलियान, पेड़ पौधे, नदी पोखरे, चिड़े चुरमुन आदि सब एक साथ टांगते हैं कर्मा को। सात दिन में एक काला जंगल और तार का पेड़ उसके इशारे, उसको इशारे से बुला रहे हैं। जंगल के ऊपर आसमान में तैरती हुई चील आकर कर्मा को क्यों पुकार जाती है? क्यों? रेलवे हाथा पार करने के बाद भी जब कुत्ता नहीं लौटा तो कर्मा ने झिड़की दी, तू कहां जाएगा ससुर, कहां जाएगा, झाव झाव करके कुत्ते दौड़ेंगे, जा भाग भाग। कुत्ता रुक गया, कर्मा को देखने लगा। धान खेतों से गुजरने वाली पगडंडी पकड़कर कर्मा चल रहा है। धान की बालियां अभी फूट कर निकली नहीं है। कर्मा को हेडक्वार्टर के चौधरी बाबू की गर्भवती घरवाली याद आई। सुना है डॉक्टरनी ने अंदर का फोटो लेकर देखा है, जुड़वा बच्चा है पेट में। इधर हथिया नक्षत्र अच्छा झड़ा है, खेतों में अभी भी पानी लगा हुआ। मछली पानी में, मांगुर मछलियों को देखकर कर्मा का देह अपने आप बंध गई। वह सांस रोककर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे खेत की मेर पर चला गया। मछलियां छलमलाई आईने की तरह, फिर पानी फिर पानी अचानक नाचने लगा। कर्मा क्या करे, उधर की मेर से सटाकर एक 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 छेका देकर पानी को उलीस दिया लिया जाए तो साले बन का किधर जाइए, जाएगा किधर, और छलमलाओ। अरे कांटा कर्मा को क्या मारता है, कर्मा नया शिकारी नहीं। आठ मांगुर और एक ये क्या कहते हैं गहरी मछली, सभी काली मछलियां। कटिहार हाट में इसी का दाम भेंट के 3 रुपये ले लेता। कर्मा ने गमछे में मछलियां को बांध लिया। ऐसा संतोष उसको कभी नहीं हुआ था इसके पहले। बहुत बहुत मछली का शिकार किया उसने। एक बूढ़ा भैंसवार मिला जो अपनी भैंस को खोज रहा था। ए भाई, उधर किसी भैंस पर नजर पड़ी है? भैंसवार ने कर्मा से एक बीड़ी मांगी और अचरज हुआ, कैसा आदमी है, न बीड़ी पीता है न तम्बाकू खाता। उसने नाराज होकर जीरा शुरू किया, इधर कहाँ जाना है, गांव में तुम्हारा कौन है, मछली कहाँ ले जा रहे हो? तार का पेड़ तो पीछे की ओर घसकता जाता है। कर्मा ने देखा गांव आ गया, गांव में कोई तमाशा वाला आया है, बच्चे दौड़ रहे हैं, हाँ भालू वाला ही है। डमरू की बोली सुनकर कर्मा ने समझ लिया, गांव की पहली गंध, गंध का पहला छोका, गांव का पहला आदमी। एक बूढ़ा गोभी को पानी से पटा रहा है, बाल सादा हो गए हैं मगर पानी भरते समय बांह में जवानी ऐंठती है। अरे यह तो वही बूढ़ा है जो उस दिन बैगन बुक कराने गया था और कर्मा से घुल मिलकर गप करना चाहता था। कर्मा ने खोद खोद कर पूछता था, माए बाप है कि नहीं, या माए बाप को छोड़कर भाग आए हो क्या? ले, उसने भी कर्मा को पहचान लिया। ऐसे ही घूमने फिरने, आपका घर इसी गांव में है? बूढ़ा हंसा, घनी मूछें खिल गई। बूढ़ा ठीक सब तो वाऊ टीटी के बाप की तरह हंसता। एक लाल साड़ी वाली लड़की हुक्के पर चिलम चढ़ाकर फूंकती हुई आई। चिलम को फूंकते समय उसके दोनों गाल गोल हो गए थे। कर्मा को देखकर वह ठिठकी, फिर गोभी के खेत के बाड़े को पार करने लगी। बूढ़े ने कहा, चल बेटी, दरवाजे पर ही हम लोग आ रहे हैं। बूढ़ा हाथ पैर धोकर खेत से बाहर आया, चलो। लड़की ने पूछा, बाबा यह कौन आदमी है? भालू नचाने वाला आदमी। दत्त, कर्मा लजाया, क्या उसका चेहरा मोहरा भालू नचाने वाला जैसा है? बूढ़े ने पूछा, तुम रिलीफिया बाबू के नौकर हो ना? नहीं, नौकर नहीं, ऐसे ही साथ में रहता हूँ। ऐसे ही साथ में तलब कितना मिलता है? साथ में रहने पर तलब कितना मिलेगा? बूढ़ा उसका पीना भूल गया, बोला, बस बेमतलब का ताबेदार। बूढ़े ने आंगन की ओर मुंह करके कहा, सरस्वतिया जरा माय को भेज दो यहाँ, एक कमाल का आदमी। बूढ़ी टट्टी की आड़ में खड़ी थी, तुरंत आई। बूढ़े ने कहा, जरा देखो इस किल्ला ठोक जवान को, पेट भाग पर खटता है, क्यों जी, कपड़ा भी मिलता है, इसी को कहते हैं पेट माधोरा मर्द। आंगन में एक पतली खिलखिलाहट, भालू नचाने वाला कहीं पड़ोस में तमाशा दिखा रहा है। डमरू ने इस तार पर भालू हाथ हिला हिला कर थप्पड़ थप्पड़ नाच रहा होगा, थुथना ऊंचा करके, अच्छा जी बोले राम, सैकड़ों खिलखिलाहट। तुम्हारा नाम क्या है? करम चंद। वाह, नाम तो खूब सगुनिया है लेकिन काम, काम चूल्ह चंद। कर्मा ने जाते हुए बात को मोड़ दिया, आपके खेत का बैगन बहुत बढ़िया है, एकदम घी जैसा। बूढ़ा मुस्कुराने लगा और बूढ़ी की हंसी कर्मा की देह में जान ला दी। वो बोली, बेचारे के दम तो लेने दो, अभी से रगेट रहे हो, मछली है बाबू के लिए ले जाओगे?
नहीं, ऐसे ही रास्ते में शिकार सरसतिया की माय मेहमान को चूड़ा भूंजकर मछली की भांजी के साथ खिलाओ। एक दिन दूसरे के हाथ की बनाई मछली खा लो जी। जलपान करते समय कर्मा ने सुना कोई पूछ रही है, ये सरसतिया की माय कहाँ का मेहमान है? कटिहार का। कौन है? कुटुम ही है। कटिहार में तुम्हारा कुटुम कब से रहने लगा? हाल से ही। फिर खिलखिलाट, कई खिलखिलाट। चिलम फूकते हुए सरसतिया के गाल मौसमी की तरह गोल हो जाते हैं। बूढ़ी ने दुलार भरे स्वर में पूछा, अच्छा ए बबुआ, तार के अंदर से आदमी की बोली कैसे जाती है, जरा हमको खुलासा करके समझा दो। चलते चलते बूढ़ी ने धीरे से कहा, बूढ़े की बात का बुरा न मानना, जब से जवान बेटा गया ना तब से इसी तरह उखड़ी उखड़ी बातें करते हैं, कलेजे का घाव। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। लौटते समय कर्मा को लगा कि तीन जोड़ी आंखें उसके पीठ पर लगी हुई है। आंखें नहीं, डिस्टेंस सिंगल, होम सिंगल, पैट सिंगल की लाल गोल गोल रोशनी। जिस खेत में कर्मा ने मछली का शिकार किया था उसकी मेड़ पर एक ढोड़िया सांप बैठा था, फों फों करता भागा। हद है, कुत्ता अभी तक बैठा उसकी राह देख रहा था, खुशी के मारे नाचने लगा कर्मा को देखकर। रेलवे हाता में आकर कर्मा को लगा कि बूढ़े ने उसको बनाकर ठग लिया। 3 रुपये की मोटी मोटी मांगुर मछलियां एक चुटकी में चूड़ा खिलाकर चार खट्टी मीठी बात सुनाकर। कर्मा ने मछली की बात अपने पेट में रख ली, लेकिन बाबू तो पहले से ही सब कुछ जान लेने वाला अगर जानी है, दो हाथ दूर से ही बोले, कर्मा तुम्हारी देश से कच्ची मछली की बास आती है, मछली ले आयो। कर्मा क्या जवाब दे अब, जिंदगी में पहली बार किसी बाबू के साथ उसने विश्वासघात किया है। मछली देखकर बाबू जरूर नाचने लगते। 15 दिन देखते देखते बीत गया। अभी रात की गाड़ी से ट्यूशन के साल्टन मास्टर बाबू आए बाल बच्चों के साथ। 15 दिन में चुप फैमिली क्वार्टर में कोहराम मचा हुआ। भोर की गाड़ी से ही कर्मा अपने बाबू के साथ हेडक्वार्टर लौट जाएगा। इसके बाद मनिहारी घाट। ना आज रात में कर्मा को नींद नहीं आएगी। नहीं नहीं, वह बार्निश चुने की गंध नहीं लगती। बाबू तो मजे से सो रहे हैं। बाबू सचमुच में गोपाल बाबू जैसे, न किसी की तरह तिल भर मोह न रत्ती भर माया। किसी भी जगह से तिल भर मोह न रत्ती भर माया। कर्मा क्या करे, ऐसे में तो कभी ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना, कुटुम है पेट माधो राम मर्द। अचानक कर्मा को एक अजीब सी गंध लगी। उठा, किधर से गंध आ रही है? उसने धीरे से प्लेटफार्म किया पार किया, चुपचाप सुनता हुआ रेलवे लाइन पर पैर पड़ते ही सिंगल, होम सिंगल, डिस्टेंट, पैट जोर जोर से बिगुल फूकने लगे। फैमिली क्वार्टर से एक औरत चिल्लाने लगी, चोर। वह भागा, एक इंजन के पीछे पीछे दौड़ा रहा, मगैया डोम की छौड़ी। तंबू में वह छिप गया। सरसतिया खिलखिलाकर हंसती है, उसके झबड़े केस, बेनहाई हुई देह की गंध कर्मा के प्राण में समा गई। अब वह डर कर सरसतिया की गोद में, नहीं नहीं, उस बूढ़ी माँ की गोद में अपना मुंह छिपाता है। रेल और जहाज के भोपे एक साथ बजते हैं, सिंगल की लाल लाल रोशनी। कर्मा उठ, कर्मा सामान बाहर निकालो। कर्मा एक गंध के समुद्र में डूबा हुआ, उसने उठकर कुर्ता पहना, बाबू का बक्सा बाहर निकाला, पानी पारे ने कहा सुना माफ करना कहा, और कर्मा डूब रहा। गाड़ी आई, बाबू गाड़ी में बैठे, कर्मा ने बक्सा चढ़ा दिया। वह सर्वेंट दर्जा में बैठेगा। बाबू ने पूछा, सब कुछ चढ़ा दिया तो कुछ छूट गए तो नहीं गया? नहीं, कुछ छूटा नहीं है। गाड़ी ने सीटी दी, कर्मा ने देखा प्लेटफार्म पर बैठा हुआ कुत्ता उसको देखकर कूं कूं कर रहा है। बेचैन हो गया कुत्ता, बाबू क्या है, मैं नहीं जाऊंगा। कर्मा चलती गाड़ी गाड़ी से उतर गया, धरती पर पैर रखते ही ठोकर लगी, लेकिन संभल गया। और इस तरह फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी आदिम रात्रि की महक आपके सामने प्रस्तुत हुआ। इसे आप सुने पढ़ें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।